हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, यह इस वीडियो सीरीज की तीसरी वीडियो है। इससे पहले दो वीडियोस बनाई जा चुकी हैं, AC1 और AC2 के नाम से। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो दो वीडियोस ज़रूर देखिए। अगर उन वीडियो को देख के आप इस वीडियोस को कंटिन्यू करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम 2017। ठीक है दोस्तों, हम 2017 की बात करें जो कि अभी आने वाला है अगले साल। इसकी तैयारी कैसे की जाए, क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए। ठीक है दोस्तों, इससे पहले दो वीडियोस में मैं बता चुका हूँ आपको कि असिस्टेंट कमांडेंट क्या होता है, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या पे प्रमोशन पर्क्स, ये सब चीज़ें क्या होती है। ठीक है, तो वो सब आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए और क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए। ठीक है दोस्तों, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2017। ठीक है दोस्तों, नोटिफिकेशन इसका अप्रैल के मंथ में आएगा, यानी अपना चौथे महीने में 2017 के। काफ़ी टाइम है उसके लिए। और जो इसका एग्ज़ाम होना है, वो होना है 23/7/2017। ठीक है दोस्तों, अगर हम रफली अगर हम डेट्स को कैलकुलेट किया जाए तो अभी 15 दिन के ही बचते हैं। उसके बाद नवंबर से लेके और जुलाई की 23 तारीख तक आप देख लेना, करीबन 9 महीने और इससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा, 9 महीने प्लस टाइम आपके पास है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो UPSC के सारे एग्ज़ाम हार्ड होते हैं, मतलब हार्ड इन द मतलब इनका जो लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पॉसिबल एग्ज़ाम है, कोई क्रैक नहीं कर सकता। हर साल इसको बहुत सारे बच्चे देते हैं, जो मेहनत करने वाले उनको सिलेक्शन भी होता है और वो ज्वाइन भी करते हैं। ठीक है, और जो दोस्तों मेहनत नहीं करते हैं, जस्ट कि भाई हाँ फॉर्म भर दिया है, पेपर दे के आ जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि बिना मेहनत के आपको सफलता मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप एक चीज़ दिमाग में ध्यान रखिए कि आपके पास 9 महीने का टाइम है, और 9 महीने का टाइम काफ़ी अच्छा टाइम है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेटजी की बात हम बाद में करेंगे, पहले हमें ये देखना होगा एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है और हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने। ठीक है दोस्तों, तो इस एग्ज़ाम में क्या होता है, सबसे पहला जो स्टेप्स होता है, ठीक है, वो होता है रिटर्न एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये होता है एक रिटर्न एग्ज़ाम, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं रिटर्न एग्ज़ाम होता है। इसमें दो पेपर होते हैं बेसिकली, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये दोनों पेपर 450 मार्क्स के होते हैं। कितने के? 450 के। ठीक है, जब इनको आप क्वालिफाई कर लोगे, मतलब जब इनको क्वालिफाई कर लोगे तब आपकी स्टेज 2 आ जाएगी। ठीक है, स्टेज 2 में होता है आपका फिजिकल एग्ज़ाम। फिजिकल एग्ज़ाम क्या होता है, क्वालिफाई होता है। ठीक है, इसमें आपको मतलब कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतने अगर फिजिकल का टाइम है तो इतने में करना है आपको। ठीक है, जो गिवन टाइम पीरियड है उसके अंदर ही करना है, उससे अगर लेट हो गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, ये नहीं है कि आपको फर्स्ट आना है सेकेंड आना है, जस्ट कंप्लीट इन टाइम। ओके, देन द फाइनल राउंड इज़ इंटरव्यू राउंड। ठीक है, इंटरव्यू राउंड में क्या होता है दोस्तों, आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया जाएगा 150 मार्क्स का। ठीक है, तो इन दोनों की जब कट ऑफ, मतलब जो पहले टेस्ट के 450 नंबर ये, दूसरे में अगर आप क्वालिफाई कर जाओगे तब ये, और तीसरा यहाँ पे इंटरव्यू, इसके मार्क्स की आपकी कट ऑफ लगेगी आउट ऑफ 600। ठीक है दोस्तों, इसके बीच में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सबसे पहली स्टेज होती है रिटर्न, दूसरी होती है फिजिकल, तीसरा होता है मेडिकल। ठीक है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना, मेडिकल इसमें भी कोई वो नहीं है, बस आपको ये मेडिकल, ये दो जो होते हैं, जो नंबर 2 और 3 है, फिजिकल और मेडिकल, ये जस्ट क्वालिफाइंग होते हैं। ठीक है, इनमें आपको मार्क्स का कोई वो नहीं है, मार्क्स आपके 450 एंड 150 = 600 मार्क्स यही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शो आपको इतना समझ में आया होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है इन सब को क्लियर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ओके, अभी दोस्तों हम बात करते हैं कि आप, हम दो स्टेजेस की बात करेंगे इस वीडियो में, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारा एग्ज़ाम है और हमारा फिजिकल है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर हम बात की जाए दोस्तों कि एग्ज़ाम में क्या आता है, क्या कैसे तैयारी करें कि वो क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, जो पहला पेपर होता है दोस्तों, पहला पेपर होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैंने आपको बताया था पेपर 1 एंड पेपर 2 एग्ज़ाम के में आते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, जो पहला पेपर होता है वो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस में, जनरल एबिलिटी में दोस्तों मैथ्स, क्वांट्स, इंग्लिश, थोड़ा बहुत इंग्लिश नहीं आता, सॉरी इंग्लिश नहीं आता इसमें, मैथ, GK, इन सब से रिलेटेड आता है। उनके आगे हम थोड़ा डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लीजिए एग्ज़ाम में होता क्या है। ठीक है, तो ये दोस्तों 250 मार्क्स का पेपर है, पहला पेपर है 250 मार्क्स का। ठीक है, और जो इसका
इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 125 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। आपको अगर आप सही क्वेश्चन करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और आप नेगेटिव करते हो, मान लो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो -50 मतलब 1/4, ठीक है, -0.50 ये आपको अवार्ड किया जाएगा, ठीक है। इसमें टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे की होती है, टाइम ठीक है, मतलब इतना कम नहीं है, अगर आपको आता है तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि जो जीके वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, उनमें आपका टाइम बहुत बचता है, ठीक है। इसमें मैथ इतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता है, इजी टू मॉडरेट लेवल आता है, मतलब ना इतना आसान ना ज़्यादा मुश्किल, मतलब आप आसानी से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हो पाएगा। और जो जीके क्वेश्चन है वहाँ पे टाइम बचता है आपका, तो 2 घंटे काफ़ी हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब आप ये पेपर क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, ये 2 घंटे का क्वेश्चन है, 250 मार्क्स का ये, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, नोट, ये नोट पढ़ता हूँ आपके लिए, क्या है, योर पेपर विल बी चेक्ड व्हेन यू क्वालिफाई द कट ऑफ इन पेपर 1। इसका मतलब क्या है, अगर आपका पेपर 1 क्लियर है, मतलब जो ये वाला अगर आपका पेपर क्लियर है, तो ही आपका पेपर 2 चेक होगा, ठीक है। अगर आप इस पेपर में मान लो 1 नंबर से भी रह जाते हो, और इस पेपर में चाहे आपके 200 में से 200 नंबर हैं, तो उसका कोई मैटर नहीं, क्योंकि वो पेपर तो चेक ही नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। तो ये वाला पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्लियर करने के बाद ही आपका पेपर 2 चेक हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पेपर दोनों पेपरों को, दोनों एग्ज़ाम्स जो उनसे हैं, ये पेपर 1 एंड पेपर 2, इनको सीरियस लेना है, ठीक है। तो पेपर 1 आपका हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं पेपर 2 में क्या आएगा। पेपर 2 एक सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है दोस्तों। इसमें जनरल स्टडी, एसे, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह ये सब होती हैं। ये एक 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, इट इज़ ए सब्जेक्टिव पेपर, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स, मोर देन इनफ टाइम होता है, टाइम की कोई कमी नहीं है। आगे हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या क्या है, उसको कैसे कहाँ से क्या कवर किया जाए, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया, उसके बाद हम चलते हैं स्टेज 2 पे, ठीक है दोस्तों। स्टेज 2 में क्या होता है, जब आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है, तो इसमें से आपका कट ऑफ लगती है, कट ऑफ नहीं लगती सॉरी, आपको जस्ट आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा कि आपका पहला पेपर ये वाला, मतलब स्टेज 1 क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर आपका उसमें नाम आ जाता है, तो आपको बुलाया जाएगा फिजिकल और मेडिकल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अभी कट ऑफ नहीं लगती, कट ऑफ फाइनल के बाद ही लगती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्टेज 2 में आपके पास वो आ जाएगा कि आपका पेपर 1 क्लियर हो गया है, और आप DA फॉर्म, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, PET होना है आपका, पैट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। ये दोस्तों ये वाला टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल जैसे एवरेज देखा जाए तो 270 के अराउंड, 270 से 300 की पोस्टें हर बार निकलती हैं इनमें, और स्टेज 2 के लिए कैंडिडेट्स को कम से कम 1300-1400 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है 300 पोस्ट के लिए, ठीक है, मतलब करीबन 4 से लेके 5 गुना, ठीक है। तो इस लेवल पे काफ़ी रिजेक्शंस होते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि कई सोचते हैं अरे 100 मीटर ही तो है, भाग लूँगा, कई सोचते हैं 800 मीटर ही तो भाग लूँ, और ये नॉकआउट होता है दोस्तों ये राउंड। मान लो आपने 100 मीटर रेस कवर कर दी है, 800 मीटर कर दिया है, लॉन्ग जंप भी कर दिया है, और आप शॉर्ट पुट में रह गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अभी से ऊपर से लेकर नीचे तक का जो आपका सफ़र था वो सब ख़त्म, ठीक है। तो हर एक राउंड क्वालिफाइंग है, इसको इतना ढीला नहीं लेना, मतलब सीरियस रहना है, इसके बारे में प्रैक्टिस करनी है अगर आपका पेपर क्लियर हो जाता है तो, ठीक है। तो उसके हम डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। पहला जो आपका वो होगा, इसमें आपको बुलाया जाएगा, आपको सुबह 7 या 8 बजे आपकी रिपोर्टिंग होगी दोस्तों, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाएंगे, तो आपको तब तक धूप में भगाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। 11 से लेके 12 के बीच में आपका ये फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको 100 मीटर की रेस के लिए इनवाइट किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ड्रेस वगैरह पहन के वहाँ पहुँचना है। तो जो लड़कों के लिए टाइमिंग होती है वो होती है 16 सेकंड, और लड़की के लिए होती है वो होती है 18 सेकंड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको तुरंत विद इन 2 मिनट्स 100 मीटर रेस होने के 2 मिनट के बाद ही आपको 800 मीटर रेस के लिए तैयार रहना है, ठीक है। मतलब ये रेस करी, 2 मिनट का आपको टाइम मिलेगा बस रिलैक्स करने के लिए, उसके बाद 800 मीटर की रेस, ठीक है। लड़कों के लिए इसमें टाइम, मतलब मेल्स के लिए इसमें टाइम है 3.45 मिनट्स, और लड़कियों के लिए टाइम है 4.45 मिनट्स, ठीक है। तो ये टाइमिंग कोई ज़्यादा नहीं है, आर्मी वगैरह की अगर हम बात करी जाए उनमें काफ़ी कम टाइम होता है, ठीक है, टाइम सही है, कुछ ज़्यादा कम नहीं है। वगैरह की अगर बात की जाए तो वहाँ पे 3.45 की जगह 2.45 ही होता है टाइमिंग, ठीक है, जो बेस्ट टाइम अगर जो माना जाता है तो उनमें ही उनको लिया जाता है, लेकिन ये काफ़ी टाइम है, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों राउंड्स के बाद तुरंत 5 से 7 मिनट के बाद
आपको लॉन्ग जंप के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, लॉन्ग जंप में क्या होता है, इसमें 3.5 मीटर्स आप फिट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, करीबन ये पड़ेगा आपका 12, 13, 14 के अराउंड ऐसा कुछ फिट पड़ता है। ठीक है, इतने फिट आपको लॉन्ग जंप कूदना है। ठीक है, लड़कियों के लिए ये 3 मीटर और लड़कों के लिए 3.5 मीटर। इसमें आपको बेनिफिट क्या रहेगा कि तीन चांसेस होंगे, तीन चांसेस में अगर आपका एक में भी क्लियर हो गया तो आपको क्लियर माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप क्लियर हो जाओगे। उसके बाद लड़कों के लिए, ये लड़कियों के लिए नहीं है लास्ट वाला राउंड, इसमें बोलते हैं शॉर्ट पुट थ्रो। ठीक है, एक 7.26 kg का होगा शॉर्ट पुट, वो आपको फेंकना है 4.5 मीटर, करीबन 15 से 17 फुट तक। ठीक है, ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं दोस्तों। इस स्टेज में मेन बात क्या है, आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि हाँ मैं पहले भागता था या ऐसा कुछ है, तो ये आप बिल्कुल गलत सोचते हो दोस्तों। एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है इस स्टेज पे, क्योंकि ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ये सारी चारों की चारों एक्टिविटी हैं, विद इन 30 मिनट्स, ठीक है दोस्तों, विद इन 30 मिनट्स सारी एक्टिविटीज़ आपकी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये गौर करने वाली बात है, 30 मिनट्स में चार एक्टिविटी करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये इससे आपको क्या पता लगता है कि आपका स्टेमिना कितना है। ठीक है, आप माइंड को कैसे शांत रखते हो अपना। ठीक है, और कैसे इन सब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो विदाउट एनी हेजिटेशन एंड फेलियर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। आप सबको उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगली वीडियोज़ मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, उन सब वीडियोज़ में हम बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम में सिलेबस क्या क्या है और इसकी स्ट्रेटेजी क्या क्या अपनाई जाए कि 9 महीने में, 9 मंथ्स का टाइम है हमारे पास, उनको ईजिली हम क्रैक कर सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।